दोस्तों नमस्ते, जयंत गोल्ड डस्ट डिटेक्टर मुंबई। कस्टमर हमारे पास में आए जोधपुर से, आए राजस्थान जोधपुर सर, बराबर ना? तो बहुत कुछ आस लेके आए, बहुत वीडियो देखा, क्या बताओ थोड़ा सा। नहीं, वीडियो तो आपके बहुत सारे देखे, अच्छा लगा। राजस्थान यूँ में कहना बताओ। मतलब राजस्थान का हूँ मैं, कहना मतलब, और आपके वीडियो अक्सर आते रहते थे, देखता था, मेरे को भी लेना था, इसलिए मैंने कहा कि एक बार खुद जाके देखे अभी इतना दूर आए तो। तो बहुत सर्च करके आए होंगे ना, क्या लगा होगा सब मेरे काम में, मेरे वीडियो में क्या लगा आपको? हाँ नहीं, आप पे यूँ ट्रस्ट हुआ कि ना, मतलब अक्सर वीडियो देखने से, बहुत से वीडियो देखते थे कि ना, मतलब, पर यूँ लगा कि नहीं यार, जैन साहब के पास ही जाएंगे तो थोड़ा अच्छा भी मिलेगा क्या, मतलब, और तो अभी कम। अच्छा मिलेगा। अभी मैं हो सकता है आप लोगों को वीडियो जानबूझ के भी दिखा सकता हूँ कि मैं ऐसा ऐसा करता हूँ करके, लेकिन देखो अभी अच्छा क्या हो सकता है। तो यही अनकट वीडियो में इनको अभी इनका, आपका रिक्वायरमेंट 10 से 12 फीट का रिक्वायरमेंट है आपका, बराबर ना? 10 से 12 फीट का रिक्वायरमेंट है। पूरी दुनिया में 15 इंच का कॉइल 8-10 फीट बोल के बेचते हैं, बराबर है? ये 8-10 फीट बोल के बेचते हैं। अब ये देखो, ये कॉइल और ये कॉइल में अंतर देखो दोस्तों, कितना बड़ा रेडियस है आप देख लो। ये छोटी है, ये वाली बड़ी हाँ, है। तो ये 15 इंच का है और ये 18 इंच का पूरा गोल कॉइल है। और ये माइंड लैब की इक्विनॉक्स को लगने के लिए, एशिया के हम डीलर हैं इस कॉइल के, इस कंपनी के, ठीक है? लेकिन वो छोड़िए, आप इसकी क्वालिटी, फिनिशिंग और सब कुछ देखिए। और लाइट वेट कितना वेट होगा, वेट देखो, क्योंकि इसमें लफड़ा यही रहता है कि वजन का हल्का है। 500 ग्राम है ये, हाँ, 500 नहीं, थोड़ा कम रहेगा, कम रहेगा। लेकिन यही दिक्कत रहती है क्योंकि मशीन जब चलाते ना आप लोग, तो ये कॉइल रेक्टेंगुलर क्यों दिखे, हेवी नहीं पड़े। हाँ, तो ये बड़ा है लेकिन फिर भी हेवी नहीं है, ठीक है ना? वो क्योंकि अलग कॉइल आती थी, बड़ी कॉइल क्यों नहीं बनाती, क्योंकि आदमी चला चला तो इसके हाथ भर के आते हैं। तो ये 15 इंची कॉइल आपका काम कर देगी। आपके इधर की मट्टी मैं जानता हूँ क्या मैटर है, ठीक है? पूरी मट्टी है, रेत वाली मट्टी है, रेत वहाँ वाली पे कोई अड़चन नहीं है कुछ भी। तो जो सख्त मट्टी पर बैठी हुई है तो वहाँ पे बहुत बढ़िया से मशीन काम करेगी, वो मॉइस्चर के ऊपर कैसे काम करेगी। और ना दोस्तों, मैंने एक तरीका उसमें देखा वो है, चट्टान भी है, जैसे चट्टान टाइप, हाँ, उसमें भी जब चलेगा मेटल क्या? रहेगा ना हाँ, तो मेटल उसको खींच लेता है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी उसको उस तक पहुंच जाती है। जैसे अर्थिंग, कैसे हम नमक और नीचे कॉपर का प्लेट डाल के हम लोग करते हैं ना अर्थिंग में, तो अर्थिंग को खींच, अर्थिंग खींच लेती है ना घर की एक्स्ट्रा लाइट को। वैसे ही जो मेटल जमीन में दबा है उसका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये फ्रिक्वेंसी, इसको वायर की जरूरत नहीं ना, जमीन में जाती तो फ्रिक्वेंसी जाके टकरा के आती, तो उसको खींच लेती। तो आपका काम 10-12 फीट पे, इसको हम आराम से 15 फीट 14 फीट बोल के बेच सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं, क्योंकि मालूम क्या, इसमें 5 किलो वाट, 4 किलो वाट, 5 किलो वाट, 10 किलो वाट, 15 किलो वाट, 3 फ्रिक्वेंसी इसमें, और मल्टी आईक्यू। तो मल्टी आईक्यू मैं इनको क्यों दे रहा हूँ, अभी इन्होंने पत्थर बोला, नहीं तो मैं इनको देता था सिलेक्टेबल मल्टी फ्रिक्वेंसी में, है अपने पास में सिंगल सिंगल फ्रिक्वेंसी में। लेकिन नहीं, इतना बंदा दूर से आया है और उनका बजट भी बैठना चाहिए और काम भी ओके होना चाहिए। तो वाटर प्रूफ मशीन, 15 इंची कॉइल, ऊपर से उसमें 18 इंची कॉइल सपोर्टेबल रहेगी, अच्छा रहेगा, ये कनेक्ट हो सकती है इसमें। तो आप भी हमारे पास आएंगे तो देखो, मैंने अनकट वीडियो में सारा बता दिया ना, तो इस तरह से काम करता है। और अपने को ज़्यादा कुछ, अपन पीछे नहीं पड़ते, हम किसी को कॉल नहीं करते, रिटर्न फॉलोअप नहीं लेते। और दूसरी बात, यही दिक्कत होती है कोई कंपनी ने 10 ऑफिस खोल के रखे, क्योंकि ये बात हमेशा होती है। अभी मुझे 4-5 दिन पहले कोई बंदा मुझे बोलता है, सर ले ली मैंने ऑफिस, वो कहाँ पे था, उनका मेन ऑफिस वहाँ पे है, बंदे मशीनें बेच रहे हैं, ठीक है? उनको बाकी किसी चीज़ का कुछ पड़ा नहीं है। प्रॉब्लम आता है, क्या आता है, नया बंदा नौकरी का, वो छोड़ के इधर आया, ये छोड़ के दूसरी जगह जाएगा, आपको क्या बताएगा वो? तो हम उनके लिए नहीं, हमको कोई दया नहीं आपके ऊपर, आपने उनसे मशीन लिया, हम आपको बताया, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं किसी में, हम अपने कस्टमर के लिए बने हैं। और साफ साफ बात, तो ये रहा कैलकुलेशन पूरा, इनको मैंने समझा दिया, वो भी पूरा वीडियो में, समझ में आपको? हाँ, ये आपको मैं अभी हवा में दिखाऊंगा, देखते कितना है दोस्तों, देखेंगे। हाँ,